सदर थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी बनगांव रोड की सहसा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने जो गुप्त सूचना के आधार पर एक कुख्यात अपराधी के साथ उनके तीन साथियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सदर थाना सहसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यालय डीएसपी एजाज हाफिज व मनी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दो बाइक पर सवार होकर तीन चार अपराधी रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित गंगा हॉस्पिटल में हथियार से लैस होकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने छापेमारी कर चार बदमाशों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी कुख्यात कौशल यादव को एक पिस्टल और छह गोली के साथ पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने यशवर्धन खा व उर्फ सनी खा, छोटू कुमार उर्फ सूरज कुमार और मिथुन कुमार उर्फ मिथिलेश यादव को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने दो बाइक को भी जब्त किया है। चारों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। कुख्यात अपराधी कौशल यादव के खिलाफ जिले में कई थानों में मामले दर्ज। संध्या करीब 5:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि दो मोटरसाइकिल, जो एक FZS है और एक मोटरसाइकिल हीरो स्ट्रीम है, उससे कुछ अपराधकर्मी, कुख्यात अपराधकर्मी रिफ्यूजी स्थान के आसपास में एक हॉस्पिटल है, गंगा हॉस्पिटल, उसके निकट आए हुए हैं और वो लोग हथियार से लैस हैं। सूचना का सत्यापन करने के लिए सब इंस्पेक्टर कुलवंत कुमार और उनके साथ और भी लोग गए और इसी क्रम में वहाँ पर उपस्थित अपराधकर्मी, जो कुख्यात अपराधकर्मी है, तो चार की गिरफ्तारी हुई है और उनके साथ बहुत से हथियार भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधकर्मियों में कौशल यादव, जो सिमरी बख्तियारपुर का रहने वाला है, उसके साथ एक देसी 9mm पिस्टल और 5 कारतूस, यशवर्धन खां उर्फ सन्नी, इसके पास से एक 7.65mm का देसी पिस्टल और 4 कारतूस, छोटू कुमार के पास से एक 7.65mm का मैगजीन और 2 कारतूस बरामद हुआ। मिथुन कुमार, एक चौथा अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुआ है, उसके पास से 7.65mm का एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही इनके कब्जे से जो है 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। और इन सभी जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है, इनका आपराधिक इतिहास है, जिसमें विशेष तौर पर कौशल यादव हत्या, लूट, अवैध हथियार रखने इत्यादि के मामले में यशवर्धन था जो सन्नी है, उसके विरुद्ध भी अवैध हथियार मद निषेध इत्यादि का एक मामले दर्ज है। मिथुन कुमार के विरुद्ध भी हथियार रखने, रंगदारी इत्यादि के मामले दर्ज है। और चौथे अपराधकर्मी जो छोटू कुमार, उनके विषय के विषय में भी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ये एक जो सहरसा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरीके से इस प्रकार के अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग इस पर अनुसंधान करके आगे भी कार्रवाई करेंगे। अभी सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो इनके पूर्व का आपराधिक इतिहास है, उसके आधार पर ये बात सामने आ सकती है।